और इधर मानदाता में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस महिला मंडल के सदस्यों ने विरोध किया और नारायण पटेल को गद्दार बताते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में ओमकारेश्वर में रोड शो कर रहे थे, जहां कांग्रेस की महिला मंडल के सदस्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। जनता या आम जनता भी समझ रही है कि ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या की गई। स्पष्ट तौर से 35 करोड़ का जो सौदा हुआ और जिस तरह से एक अच्छी चलती 15 महीनों की एक सरकार थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो इन लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं ये डर आ गया था कि अगर 15 महीनों के अंतर्गत अगर कमल राज्य की सरकार इस तरह से काम करती रही तो उनको झंडे बैनर के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिले। ये तो क्या है, और आप उसका सीधा सीधा उदाहरण देख लीजिए। खुद मुख्यमंत्री कभी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए, चौथी बार का दौरा लगा चुके हैं, आज राष्ट्रीय महासचिव रोड शो कर रहे हैं छोटी सी मतदाता क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य का नतीजा है। तो ढोल ढमाकों की आवाज के बीच ही जो रोड शो हो रहा है कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे मानधाता में, लेकिन घेरा कांग्रेस महिला मंडल के सदस्यों ने, कहा क्यों मानधाता छोटी सी जगह पर महासचिव भी दौरा कर रहे हैं, चार चार बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, बौखलाहट है, घबराहट है और तरह तरह के आरोप। नारायण पटेल को गद्दार बता रहे हैं कांग्रेसी, खासतौर पर कांग्रेस महिला मंडल की सदस्य। संवाददाता शरद फोन लाइन पर मौजूद है और भी ज्यादा जानकारी के साथ, किस तरह का विरोध हुआ और अब कांग्रेस की कार्यकर्ताएं, खासतौर पर महिला मंडल की सदस्याएं, वो क्या कह रही हैं पूरे मामले को लेकर? ये देखिए, आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानधाता क्षेत्र में चार जगह रोड शो है। वहीं इसमें सबसे पहले ओंकारेश्वर विजयवर्गीय पहुंचे थे सुबह, जहां वो रोड शो कर रहे थे, और रोड शो के दौरान ही कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रचना तिवारी अपनी महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जब रोड शो चल रहा था, तो विजयवर्गीय के सामने ही उन्होंने नारायण पटेल को गद्दार बताते हुए नारे लगाए और कांग्रेस के नारे लगाए, साथ ही भाजपा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नारायण पटेल जो भाजपा में चले गए और आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वो गद्दार हैं और गद्दार को मानधाता की जनता सहन नहीं कर पाएगी और उन्हें सबक सिखाएगी। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव के सामने ही नारेबाजी हो रही थी और भाजपा के कार्यकर्ता वही जोश खरोश से नाचते गाते विजयवर्गीय की रैली में चल रहे थे। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।